कहते हैं पहला घर होना हर किसी का सपना है और इस सपने को हकीकत में तब्दील करने में हम आपकी मदद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला घर और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मंगलयान नवेना ग्रीन्स टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ये 2+1 BHK अपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं 1225 स्क्वायर फीट एरिया में। आइए अब आपको आपका घर दिखाती हूँ। घर में एंटर करते ही सबसे पहले हमारी निगाह पड़ती है इस लिविंग कम डाइनिंग एरिया में। ये बना हुआ है 17x11 फीट में। यहाँ पर आप पीछे वाली वॉल पर POP वर्क करा के इसे यूरोपियन स्टाइल दे सकते हैं। इस जगह आप 6-सीटर एल शेप्ड काउच विद सेंटर टेबल ऑफ़ कोर्स अरेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लैम्प शेड्स और फ्लावर वर्स लगाने का भी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है, आप उन्हें भी लगाइए और अपना लिविंग रूम और खूबसूरत बनाइए। लिविंग कम डाइनिंग एरिया से अटैच्ड आपको एक बालकनी भी मिलती है जहां पर आप मॉर्निंग और इवनिंग टी का मजा ले सकते हैं। ये है लिविंग एरिया से अटैच्ड डाइनिंग एरिया जहां पर आप 4-6 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से अरेंज कर सकते हैं जिसपे पूरी फैमिली आराम से बैठ के अपने मील्स एंजॉय करेंगी। आप चाहें तो पीछे वाली वॉल पर अपने फेवरेट थीम के अकॉर्डिंग एक वॉलपेपर भी लगवा सकते हैं ताकि आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया और एस्थेटिक लगे। आइए अब आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड किचन। ये है लिविंग कम डाइनिंग एरिया से अटैच्ड किचन जो बना हुआ है 9x6 फीट में। यहाँ पर आपको एल शेप बड़ा सा ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म मिलेगा। नीचे की तरफ आपको मॉड्यूलर किचन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऊपर की तरफ आप अपना मनपसंद स्टाइलिश स्टोरेज एरिया बनवा सकते हैं। इस जगह चिमनी लगाने के लिए भी डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इस किचन से अटैच्ड यूटिलिटी बालकनी जहाँ वॉशिंग मशीन लगाकर आप वॉशिंग का काम भी कर सकते हैं। ये है आपके घर का स्टडी एरिया जो बना हुआ है 8x10 फीट में। इसे आप एज अ किड्स रूम या फिर होम ऑफिस की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे एज अ किड्स रूम यूज करते हैं तो यहाँ पर आप एक बंक बेड विद स्टडी टेबल आराम से अरेंज कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे मन से बैठकर पढ़ाई करें। और अगर आप इसे एज अ होम ऑफिस यूज करते हैं तो यहाँ पर आप एक स्टडी टेबल कस्टमाइज करा के ऑफिस का ढेर सारा काम चुटकियों में निपटा सकते हैं। स्टडी एरिया से अटैच्ड आपको एक बालकनी भी मिलती है जो कि 5 फीट वाइड है और ये आपको कनेक्ट करती है आपके मास्टर बेडरूम से भी।
मास्टर बेडरूम दिखाने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो अभी तक लाइक तो कर ही दिया होगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो इतने शानदार घर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलेगा, क्योंकि वहां पर आपके मतलब की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्राइस लिस्ट, लोकेशन। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक करिए। और फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज बनती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आइए अब आपको मास्टर बेडरूम दिखाती हूँ। ये है आपके घर का मास्टर बेडरूम, जो बना हुआ है 12x10 फीट में। यहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस जगह आपको वार्डरोब भी मिलेगी जो कि रूफ लेंथ है। इस मास्टर बेडरूम में आप एक किंग साइज बेड विद हेडबोर्ड्स, स्टडी टेबल, लैम्प शेड्स अरेंज करके इसे और खूबसूरत बना सकते हैं। मास्टर बेडरूम के इस वॉल पर आप एक एंटरटेनमेंट यूनिट कंपोज करा सकते हैं, जिसपे बड़ा सा टीवी काफी जचेगा और आप यहाँ पर अपनी फेवरेट थ्रिलर मूवीज भी एंजॉय कर पाएंगे। ओवरऑल ये मास्टर बेडरूम देखने में काफी स्पेशियस है। और आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड वॉशरूम। ये है मास्टर बेडरूम से अटैच्ड वॉशरूम, जो बना हुआ है 5x7 फीट में। यहाँ पर आपको पोजीशन के टाइम पर सारी बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज प्रोवाइड की जाएंगी। पीछे की तरफ आपको वॉल टू वॉल टाइल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे वॉशरूम देखने में काफी क्लासी लगता है। इस जगह आपको एक डेडिकेटेड विंडो भी दी गई है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ओवरऑल ये वॉशरूम देखने में काफी क्लासी एंड स्पेशियस है। ये है आपके घर का सेकेंड बेडरूम, जो बना हुआ है 10x11 फीट में। यहाँ पर आप एक बड़ा सा किंग साइज बेड विद खूबसूरत सा हेडबोर्ड एंड साइड टेबल अरेंज कर सकते हैं, जिन पे शो फिगर्स बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इस बेडरूम में आपको एक वार्डरोब भी मिलती है जो कि ऑलमोस्ट रूफ लेंथ है, तो आप इसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। इस रूम को आप अपने घर के एल्डरलीज के लिए भी डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक सेपरेट बालकनी भी मिलती है, जहाँ पर स्विंग चेयर लगाकर आप अपना मनपसंद वक्त अपने साथ बिता सकते हैं। यह है सेकेंड बेडरूम से अटैच्ड कॉमन वॉशरूम, जो बना हुआ है 7x5 फीट में। और इसे आप लिविंग कम डाइनिंग एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल टू वॉल कितनी शानदार क्वालिटी की टाइल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और यहाँ पर आपको बाथ फिटिंग्स और सैनिटरीज भी ब्रांडेड प्रोवाइड की जाएंगी। इस जगह आपको एक डेडिकेटेड शावर एरिया मिलता है, और यहाँ पर आपको एक विंडो भी प्रोवाइड की जाएगी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ओवरऑल ये वॉशरूम देखने में काफी एलिगेंट एंड स्पेशियस लग रहा है।
मंगलयान अवेना ग्रीन्स, टेक जोन 4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। यहाँ से लगभग 5 से 10 मिनट की दूरी पर स्कूल, हॉस्पिटल, 10 मिनट की दूरी पर मेट्रो स्टेशन, आधे घंटे की दूरी पर रेलवे स्टेशन और 1 घंटे की दूरी पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। यहाँ पर स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया जैसी कई सारी सुविधाएं आने वाले टाइम में प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और तो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली बार ऐसे ही किसी शानदार अफोर्डेबल घर के साथ। देखते रहिए पहला घर।